अच्छा जी, लिखते हैं कि शर्त लगाना हलाल है या हराम है। शर्त अगर एक तरफा हो तो क्या हुक्म है, अगर दो तरफा हो तो क्या हुक्म है? शर्त लगाना बिल्कुल हराम है। एक तरफा शर्त ये होता है कि एक शख्स बोले कि अगर आज दोपहर तक बारिश हो गई तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, और जो जिसको बोलता है वो कुछ ना बोले, वो चुप है। अब ये शर्त एक तरफा है इसकी तरफ से है। अगर वो ये बोले कि हाँ अगर बारिश नहीं हुई तो मैं, ये बोलते हैं हुई तो मैं खाना खिलाऊंगा, वो कहते हैं नहीं हुई तो मैं खाना खिलाऊंगा, या किसी चीज़ को मुतय्यन कर ले, कुछ पैसों को या कहीं जाने का प्रोग्राम उस पर डन कर ले। एक तरफ हो, एक बंदा बोले दूसरा कुछ ना बोले, तो ये एक तरफा होता है। दूसरा बंदा भी बोले हाँ अगर ये नहीं हुआ तो मैं करूँगा, इसको दो तरफा शर्त बोलते हैं। दोनों सूरतों में शर्त हराम है। हाँ अगर ऐसा हो, जैसे कुछ दोस्त है, 2003-2004 की बात है, जब हम पढ़ते थे, हमारे कुछ दोस्त हैं, हम सुबह आते थे नमाज में, हम एक मस्जिद थी हमारे, हम वहाँ पे इकट्ठे नमाज़ पढ़ते। तो हमारा एक दोस्त था, वो थोड़ा सा कमज़ोर था, सुबह की नमाज में वो अक्सर रह जाता था, उससे या आता भी था तो जुमात के बाद आखिरी टाइम में। तो वो एक दफ़ा उन्होंने शर्त लगाई कि यार अगर ये कोई भी हम में से जो नमाज के लिए नहीं आया तो वो खाना खिलाएगा। तो वो हमेशा, मतलब अक्सर वो लेट होता या नहीं आता उसमें, तो फिर हम ये करते कि रात को प्रोग्राम बनाते, तो कभी मिसाल मैंने खाना खिलाया, कभी किसी दूसरे ने, हम उसको ऐसे बोलते थे ये आपकी वजह से हमने खाना खिलाया है। वो प्रोग्राम हमारा पहले से डन होता कि हमने ये जाना भी है वहाँ, खाना भी करना है, खाना भी खिलाना है, या वो हमें खिलाएगा। लेकिन ये हम ऐसे उनको नमाज के लिए ना उसको बरकलाते थे, जैसे हम किसी, कोई बच्चा होता है हमारा, हम उसे कहते कोई चीज़ हम लाते हैं उसको देने से पहले हम कहते अगर आपने नमाज पढ़ी तो फिर मैं आपको ये देता हूँ, पहले नहीं देता। तो वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते, फिर हम उनको देते। ये बेसिक उसको नमाज पढ़ने के लिए, उसको थोड़ा सा पुशअप करने के लिए हम करते हैं। तो ऐसा शर्त वो सही होता है, ये शर्त के ज़ुमरे में नहीं आती है। इनाम होता है हम देते हैं बच्चों को, उसको काम करने के तरीके होते हैं, या कोई कंपनी में मालिक होता है, वो बताता है कि अगर आप लोगों ने सही मुझे आउटपुट दे दिया तो मैं आप लोगों की सैलरी बढ़ाऊंगा, वो पहले से उसने सोचा होता है। तो ये शर्त में नहीं आता फिर। अच्छा, अकीका क्यों करते हैं, इसका वजह बताए। अकीका ये बेसिक, बच्चा पैदा होता है तो एक दूसरी दुनिया में आ जाता है माँ के पेट से निकल के, तो बड़े मराहल से ये भी निकलता है, उसकी माँ भी बड़ी मराहल से गुजर जाती है, तो उसके लिए ये एक सदका होता है। सदका रद्दुल बला होता है, हदीस में आता है, तो ये सदका होता है। इसमें फिर एक थोड़ा सा डिटेल है कि अगर मर्द है, बच्चा है, मेल बेबी है, तो उसमें फिर दो बकरे, और अगर फीमेल बेबी है तो गुड़िया है, गर्ल है, तो उसमें फिर एक बकरा या बकरी भी हो जाती है, चल जाते हैं। अगर इनके पास इतना कोई सोर्स ना है, कोई पैसे नहीं है, तो एक बकरा से, एक बकरे से भी, या कोई मुर्गी इसने ज़बह की, या कोई कुछ 2-4 किलो चावल इसने पकाए तो भी सही है। लेकिन अगर बाद में इसको एक मौत, एक सुन्नत है, और 7 दिनों के अंदर अंदर बहुत बेहतर है, 7 दिन बच्चा पैदा होते तो 7 दिनों के अंदर अंदर उस पर नाम भी रखते हैं, नाम भी कंफर्म, अच्छा नाम रखते, चूँकि नाम का वो बहुत असर होता है बच्चे पे या बच्ची पे, नाम भी रखे इस्लामी, और उसके 7वें दिन उसके बाल काटते और वो बाल उसके चांदी के साथ तोले, और वो आके के उसके जो जितने पैसे बनते हैं वो पैसे किसी गरीब को दे दे, और ज़बह भी कर ले बकरा या कोई बकरी, या कोई खैरात कर ले, तो वो फिर ख़ुद भी खा सकता है, गरीब को भी दे सकता है। गरीब को देने का ज़्यादा सवाब है, कुछ ज़्यादा हिस्सा गरीब को दे दे, कुछ थोड़ा अपने लिए बना ले तो बिल्कुल चल जाता है। ऐसी वो नहीं है कि बिल्कुल बंदा नहीं खा सकता या किसी को दे नहीं सकता, दे भी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन देने में ज़्यादा सवाब है, चूँकि गरीब का हक बनता है, और ख़ुद भी खा सकता है थोड़ा बहुत। और अकीके के शरायत सारे वही है जैसे कुर्बानी के शरायत होते हैं। कुर्बानी में जितने शरायत होते हैं, जैसे जानवर का सही होना, उसके सींग, उसका दुम, उनके पाँव, आज़ा जितने भी है, आँखों का नज़र, सब कुछ सही हो, तो तब जाके उस पर हम कुर्बानी करते हैं। अकीके के भी सेम ऐसे ही है शरायत, यानी कि अकीके के लिए कोई माड़ा सा जानवर हो कोई, और उसको आके ज़बह कर ले, नहीं, शरायत वही है। अच्छा, कुर्बानी में भी, कुर्बानी अबीदुल्लाह आ रहा है, तो कुर्बानी में भी कुर्बानी के जितने हिस्से होते हैं उसमें भी अकीके का हिस्सा रख सकते हैं। मतलब एक जानवर है, गाय बैल, जैसे भैंस हम ज़बह करते हैं, उसमें 5-6 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा अगर वो अकीके का रख ले तो भी बिल्कुल, बाकी 3-4 जो है वो कुर्बानी वाले हैं ईद उल अज़हा के, और एक अकीके का है, या बाकी ज़्यादा भी अकीके के हो सकते हैं, तो
तो चल जाता है। ये नहीं कि वो कुर्बानी वालों के साथ अकीका नहीं कर सकता, अकीके के वालों के साथ कुर्बानी, ये अपनी तरफ से लोग मसाइल निकालते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कर सकता है उसमें भी अकीके कर सकता है, अकीके का हिस्सा रख सकता है।